आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। दीवानी में कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर दस्तक दे दी है। न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी और अधिवक्ताओं समेत 7 लोग संक्रमित पाए गए। दीवानी में आधा दर्जन से अधिक लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर दहशत का माहौल पैदा हो गया है। दीवानी में न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी और अधिवक्ता कोरोना संक्रमित होने पर खलबली मच गई है। शुक्रवार को रिपोर्ट आने के बाद दीवानी परिसर खाली होना शुरू हो गया। बुजुर्ग अधिवक्ता चैम्बर बंद कर घर चले गए। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए आगरा बार एसोसिएशन की बैठक लाइब्रेरी में हुई, जिसमें सुरक्षा को लेकर मंथन हुआ। जैसा कि आपको विदित है कि कोरोना का बढ़ता हुआ प्रभाव का व्यापक प्रभाव कचहरी भी उससे अछूती नहीं रही, और आज कचहरी में आने के बाद ही पता चला कि न्यायिक, हमारे सम्मानित न्यायिक अधिकारी और न्यायिक कर्मचारी और अधिवक्ता भी इसकी पूरी तरह चपेट में आ गए हैं, और बहुत ही भयावह स्थिति हो गई है। और वास्तव में मतलब इतनी स्थिति खराब होती जा रही दिन प्रतिदिन, तो आज हम सब अधिवक्ताओं की एक आवश्यक बैठक आहूत करके भविष्य के लिए जो भी उचित निर्णय होगा वो लिए जाएंगे। आगरा बार एसोसिएशन पदाधिकारियों का कहना है कि कोरोना वायरस बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। इसको लेकर आगरा बार एसोसिएशन की बैठक में सोमवार मंगलवार को कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया है। शनिवार रविवार को अवकाश रहेगा। इसके बाद आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। बचाव के लिए जैसे बताया समुचित व्यवस्था की जा रही है। डीजे साहब से भी संपर्क में है और डीजे साहब भी सहयोग कर रहे हैं। आने वाले सप्ताह में किसी भी तरीके से यहाँ पे कोई काम ना हो और पूरा सैनिटाइजेशन का काम हो, ऐसा ही प्रयास है हमारा, और इसको करने जा रहे हैं। अभी बार की मीटिंग भी है, उसमें और निर्णय करेंगे आगे। पदाधिकारियों का कहना था कि दीवानी में शहर देहात से आने वाले लोगों की भीड़ से संक्रमण बढ़ने का अंदेशा बना हुआ है, इसके चलते कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया गया है। दीवानी में इससे पहले भी कई अधिवक्ता कोरोना संक्रमण का शिकार हो चुके हैं। शुक्रवार को कोरोना संक्रमण की दस्तक के बाद अधिवक्ता, कर्मचारी, न्यायिक अधिकारी दहशत में आ गए हैं। सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।